Hi, this is really good. You work in the classroom and classroom came in the examination. Isse acha kya chahiye? Yes, you read it right aur aap sun sahi rahe ho. 10 out of 22 questions direct classroom se aaye the. जो स्टूडेंट मेरे इनरोल स्टूडेंट हैं, जब इस वीडियो को देखेंगे तो रिग्रेट कर सकते हैं कि हाँ क्लासरूम से आए थे. अगर वो स्लॉट वन का एग्जाम में नहीं था, उनका स्लॉट टू और स्लॉट थ्री था. अगर जो कैट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या किसी और की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको भी पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए थे. तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वो सारे क्वेश्चन की तरफ जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने. तो दिस वन इज अ केस, अगर आपने अभी तक सारे स्लॉट का क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व नहीं किया है तो मस्ट डाउनलोड. आपको एक पीडीएफ दिया गया है, इंटरेक्टिव पीडीएफ है, आप कहीं भी कभी भी जंप कर सकते हो, किसी भी स्लॉट में जा सकते हो. ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज डाउनलोड कर दो. सारे क्वेश्चंस क्वांट के हो, एलआरडीआई हो एंड द वर्बल हो, सॉल्व करो. विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. नाउ कम टू द पॉइंट. सो अगर मैं बात करूं कि ये हम ओनली डिस्कस ये नहीं करने वाले हैं कि वो 10 क्वेश्चन कौन क्लासरूम से आए थे, स्लॉट वन के जितने भी 22 क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करने वाले हैं. कब? टुमारो, दैट इज ऑन द सैटरडे 3 PM इसी YouTube चैनल पे. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जो अपकमिंग है, कैट 2022 होगा या जैट का जो पेपर है आपका, या SSC CGL या बाकी भी एग्जाम देने चाहते हो, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कल 3 o'clock पे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स. बॉस ये तो क्लासरूम में डिस्कस हुआ ही हुआ था, लास्ट में जो हमने मैथ सेशन लिया था उसमें भी मैं आपको बताया था कि सीक्वेंस सीरीज में अगर आना होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे. मैंने आपको हिंट बताया था कि यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट को देख ले, फर्स्ट डिजिट को देख ले, उससे क्वेश्चन सॉल्व होता है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन द क्लासरूम, ये हिंट दिखा था. अगर आप मेरे रेगुलर इस यूट्यूब पे बने हुए हो तो आपने भी इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया होगा कि हमने जस्ट कैट के पहले ओपन सेशन में भी डिस्कस किया है और इसको हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया है. बस छोटा सा डेटा चेंज किया इन्होंने और कुछ भी नहीं किया. दिट इज वेवी कर्व मेथड. हमने ओपन में भी बताया था आपको, क्लोज में भी बताया था कि एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव होता है, हम ब्रैकेट लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको हमने सॉल्व किया था. सो ये दोनों क्वेश्चन विद इन मिनट सॉल्व हो जाते हैं स्लॉट वन के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. देन दिस वाज ज्योमेट्री का हेक्सागन. हेक्सागन को हमने डाइसेक्ट किया है क्लास में कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं आ सकता है. उसी में से ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हमने जो सॉल्व किया था 1 यूनिट के लिए क्लास में सॉल्व किया था, उन्होंने 2 यूनिट के लिए पूछ लिया है. मोर ऑर लेस कॉन्सेप्ट सेम था, डेटा अलग है. क्वेश्चन नंबर 3 जो ये आपका था, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आर पीडीएफ, नंबर ऑफ ग्रेटर देन. ये ऑलवेज जो होता है कि अगर हम 3 डिजिट नंबर्स को रिपीट कर दे, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि एसी में भी काम करते हैं और बी अननोन होता है, वो 10 डिजिट लेके आएगा. ये भी डायरेक्ट क्लासरूम से आया था. तो अगर आप क्लासरूम में बने हुए थे या आप इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन हमने हमेशा डिस्कस किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट nth ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. हमने कंपाउंड इंटरेस्ट nth ईयर, और अगर ये एपी में होता है, ये जस्ट कैट के पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर ये एपी में होता है तो ये जीपी में होते हैं. यू हैव अ कैलकुलेटर, विद इन मिनट इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे. तो ओनली स्लॉट वन की बात नहीं, हम सारे स्लॉट में बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन क्लास से आया है. रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन को तो हमने डाइसेक्ट कर रखा है. आपके इस यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो होगा हेक्सागन डाइसेक्शन का, और क्लास में भी हमने इसको हेक्सागन को देखा है. दिस क्वेश्चन इज द, ये तो बहुत बेसिक सा है कि अगर दो दो का बंडल 15 डेज, 12 डेज, 20 डेज लेता है, तो जो मिडिल वाला है, जिसकी एफिशिएंसी मिडिल है, वो कितना लेगा. हमने क्लास में भी और यहां पे भी डिस्कस किया है कि अगर दो लोग ए बी, बी सी और सी ए काम करते हैं, ये 12 डेज लेता है, ये 15 डेज लेता है, या 24 डेज लेता है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, सबसे कम एफिशिएंट कौन है, मिडिल एफिशिएंट कौन है. आप उससे भी या बेसिक भी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. तो ये क्वेश्चन भी क्लास में ही डिस्कस हुआ है, बस हमारे पास डेटा कुछ दूसरा होगा. यहाँ पे डेटा 15, 12, 20 था. हम सारे डेटाज को भी आपके साथ शेयर करेंगे, या किसी भी इनरोल्ड स्टूडेंट से पूछ लो, ये सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो रखे थे. टू ट्रेन क्रॉसेज, ऐसे ही तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हर एक टीचर ने अपने क्लास में डिस्कस किया होगा. टू ट्रेन का लेंथ ये है, ये है. सिंस वी आर डिस्कसिंग द बेसिक क्वेश्चंस अगेन इन द क्लासेस, तो उस बेसिक क्वेश्चन में टाइम स्पेस डिस्टेंस में ये क्वेश्चन आया था. और बहुत सिंपल सा है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आ रहा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. मॉड का क्वेश्चन हमने क्लास में इसमें आधे घंटे बिताए हैं कि मॉड का ग्राफ कैसे दिखता है, और बहुत सारे लोगों ने बता दिया था कि मॉड का ग्राफ जो 3 सॉल्यूशन दिखता है वो दिखता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी के माइनस वैल्यू पे. तो ये तो 5 मिनट से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगता, मतलब ये जो जितने भी क्वेश्चन किए हम 5 से 10 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. बाकी बचे हुए टाइम में हम बचे क्वेश्चन में देख सकते थे. तो जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है क्वेश्चन क्लासरूम से नहीं आए थे. मैं उन क्वेश्चन को पिक कर रहा हूं जो क्वेश्चन मोर और लेस क्लासरूम के थे, डेटा चेंज हुआ था. बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्लासरूम में कॉन्सेप्ट डिस्कस ऑलमोस्ट हो चुके हैं. तो मैं सिमिलर वैल्यूज के, सिमिलर डेटा के क्वेश्चंस आपको आज दे रहा हूं, जो 10 क्वेश्चंस स्लॉट वन में दिखे थे. ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का. मैं ही नहीं, मुझको लगता है हर एक
टीचर्स अपने क्लासरूम में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है कि दे वर्क ऑन द अल्टरनेट। मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक बंदा हमेशा काम करता रहता है, दूसरा बंदा आता है ज्वाइन करता है। ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है कि एक बंदा स्टार्ट करता है काम करना और दो बंदे आते जाते रहते हैं, मतलब मोर ऑर लेस सेम डेटा है, प्रोसेस है, इजी क्वेश्चन था। क्लासरूम में डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन हुआ था कि ए काम करता रहता है, बी और सी उसको आके हेल्प करते रहते हैं, बस उसी का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को भी हमने क्लास में किया था, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। एंड देन हम लोग आते हैं सर्कल डायमीटर 8 इंच। ये ओपन सेशन में भी हमने डिस्कस किया है और क्लोज सेशन में भी डिस्कस किया है कि इन रेडियस का क्या है, और कुछ वैल्यूज को हमने बताया थे कि ये सब फिगर्स के वैल्यूज अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। इसे भी हम कल 3 PM पे डिस्कस करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि सॉल्व कैसे होता है तो इन फ्यूचर्स इस पे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। दिस वाज अ क्वेश्चन जो हमारे में हुआ था। तो ये जो आपके सारे 10 क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने क्लासरूम में डिट्टो मोर ऑर लेस सेम डिस्कस किया है। हो सकता है अगर हमने क्लास में 5 वैल्यूज ली होगी तो यहाँ वैल्यूज 2 था, जैसे हेक्सागन में हमने 1 यूनिट हेक्सागन का माना था, यहाँ 2 है, मोर ऑर लेस क्वेश्चन सेम है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि दिस इज व्हाट द लर्निंग इज ऑल अबाउट। हम क्लासरूम में जो सीखते हैं अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और हमारी प्रैक्टिस हो तो हम एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, स्लॉट 1 हम सैटरडे को डिस्कस कर रहे हैं, स्लॉट 2 वी आर डिस्कसिंग ऑन अ मंडे, स्लॉट 3 ऑन अ ट्यूजडे, इसी चैनल पे 3 PM पे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन, जैसे इस क्वेश्चन को आया है फ्यूचर में क्या दिख सकता है, फ्यूचर में क्या होना सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दिस वॉज अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन। और अगर आप स्नैप को टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग द स्नैप, तो स्नैप हाइस्ट हमारा एक टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेशन है जो आपका चल रहा है, कहाँ पे 3E Learning पे। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 999 में मोर ऑर लेस 15 टेस्ट मॉक्स हैं, देन टॉपिक टेस्ट आपके 50 से ज़्यादा हैं, सेक्शन टेस्ट सब मिला के टोटल मिला के 15 मॉक्स प्लस 50 प्लस टॉपिक टेस्ट हैं, और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं कहाँ, इसी यूट्यूब चैनल पे ओपन। यहाँ पे सतीश सर रीजनिंग, रोहित सर इंग्लिश, और मैं क्वांट को डिस्कस करूंगा स्नैप के लिए। दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन। और दूसरा जैट हाइस्ट, अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट जैट का मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग्स के क्वेश्चंस, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा क्वांट जो जैट स्पेसिफिक है, इसी यूट्यूब चैनल पे, और बाकी बहुत कुछ अपडेट हो जाएगा आपके जैट हाइस्ट को लेके। तो आप चैनल पे बने रहना, जैट हाइस्ट अगर आप एक्सेल को टारगेट कर रहे हो तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, इसी यूट्यूब चैनल में मेगा इवेंट होगा, मैराथन सेशन होंगी, हम डिसीजन मेकिंग को क्रैक करेंगे बेसिक से एडवांस, हम मैथ्स के भी कुछ वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में शायद बन जाने चाहिए, जो अभी तक आपसे नहीं बनते हो। और अभी मैं देख रहा हूं कि कैट के बाद लोगों का प्रेशर थोड़ा डाउन हो गया है, उनमें एनर्जी लेवल कम हो गई है, चाहे उनके मार्क्स अच्छे आए हैं तो भी वो थोड़े से डाउन हो गए हैं, मार्क्स अगर अच्छे नहीं भी बने हैं तो भी वो डाउन है। तो ये सारे जो इवेंट है, मैं चाहता हूं कि आपकी एनर्जी को ऊपर लेके चलूं। तो हम मिल रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ जैट हाइस्ट को लेके। तो मैं आपसे बताना चाहता था कि ये 10 क्वेश्चन जो स्लॉट 1 के हैं डायरेक्ट क्लासरूम से पूछे गए हैं, इसी तरह हम स्लॉट 2 को भी डिस्कस करेंगे, स्लॉट 3 को भी डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे बने रहो, अगर आपसे कुछ भी इंक्वायरी होती है तो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं डाउनलोड आपके, जो बॉटम एंड नंबर्स चलता रहता था इन अ स्लाइड्स, मैं आपको नंबर दिखा दूं कि दीज आर द नंबर्स, आप 9905050159 पे बात कर सकते हो। और मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो आप मुझको टेलीग्राम या फेसबुक पे पिंग कर दो, या इसी नंबर पे बोलो कि अमीय सर से बात करनी हो, आपको बात करवा देंगे। तो जैट का बहुत बड़ा मेगा इवेंट आने वाला है, स्नैप का इवेंट चल रहा है, और कैट 2022 का एडमिशन भी हम ओपन करेंगे। मेरा एक ही मानना है कि जो क्लास में डिस्कस हो वो एग्जाम्स में दिखे, यही मेरा एम है। मेरा कोई एम नहीं होता है कि मैं आपको मैथ्स सिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम्स में मार्क्स इंप्रूव हो, और उसी टारगेट के साथ हम बहुत सारे कोर्स को भी लेके आ रहे हैं कैट 2022 के लिए। आप चैनल पे बने रहो, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द शेयर की जाएगी। तो दीज आर नॉट ओनली जस्ट 20 क्वेश्चन जो हमारे साथ थे एग्जाम, 10 क्वेश्चन जो हमारे साथ एग्जाम में थे, अभी जो होने वाला है ये आपका डिस्कशन होने वाला है, स्नैप हाइस्ट ओपन भी चल रहा है, और जैट का सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर किया जाएगा। आप दो अपना बेस्ट, क्योंकि हमें देना है अपना बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। अगर हम दोनों अपना बेस्ट देंगे तो रिजल्ट हमेशा बेस्ट आएगा। माय सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय।